खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर बालाघाट से, जहां सीआरपीएफ से निलंबित जवान ने पत्नी की हत्या कर दी। सीआरपीएफ के जवान ने पति की गला दबाकर हत्या की। हत्या के बाद आरोपी ने कोतवाली थाने में सरेंडर किया। पारिवारिक विवाद इसकी वजह बताई जा रही है। मृतक महिला पुलिस लाइन में आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। महिला पुलिस में थी आरक्षक के पद पर। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है कि महिला की हत्या कर दी उसके पति ने। सीआरपीएफ से निलंबित जवान जिसने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी, क्या वजह रही साफ ये अभी तक नहीं साफ पता चला है। लेकिन शुरुआती जांच के मुताबिक आपस में विवाद था, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी जो कि पुलिस लाइन में आरक्षक के पद पर तैनात थी, गला घोटकर हत्या कर दी। रुपेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, क्या वजह सामने आ रही है? इस बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पति ने गला घोटकर हत्या की, क्या वजह निकलकर सामने आई है पूछताछ में? देखिए, ये पति सीआरपीएफ का जवान था जो सस्पेंड था, और जो पत्नी के परिवार वाले उन्होंने जानकारी दी है कि ये आदतन आरोपी अपराधी रहा है। इसने पिछले रक्षाबंधन में इसी विवाद को लेकर अपने साले को गोली मारी थी, और इसके पूर्व इसने अपने ससुर को भी तलवार से हमला कर चुका है, और ये आदतन अपराधी है। क्योंकि इसे पिछली बार सीआरपीएफ से सस्पेंड कर दिया गया था, और अभी फिलहाल में यह सस्पेंड था, और इसने आज सुबह अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने क्या कार्रवाई अभी तक इस मामले में की है? पुलिस की जांच में क्या इस शख्स को पकड़ लिया गया है? मैं घटनास्थल पर ही हूँ, अभी कार्रवाई जारी है, और इसने खुद ही कोतवाली जाके सरेंडर कर दिया था, और अभी जो लाश है घटनास्थल पर ही है, और मैं अभी यहीं पे इसकी जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रुपेश। पांडुना में 14 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई के मामले में पीड़ित बच्चे के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है। बच्चे से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में दो लोग, एक बच्चे को, 14 साल का बच्चा है, उसको पेड़ से बांधकर उल्टा लटकाया हुआ है, और पास ही में एक धुआं उठ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि मिर्ची जलाकर बच्चे की आंखों में इस धुएं को झोंका गया। घड़ी की चोरी का इल्जाम इस बच्चे पर लगाया गया और उसको बेरहमी से पीटा गया। वीडियो वायरल होने के बाद जब बच्चे के पिता तक ये वीडियो पहुंचा, तो बच्चे के पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटे ने बताया, उसके बाद बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस